आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंचकूला से बड़ी खबर, खूंखार और कुत्तों के रखने पर लगी रोक। अब पंचकूला में नहीं रख पाएंगे पिटबुल और रोड व्हीलर मिक्स। नगर निगम पंचकूला की आम बैठक में महापौर कुलभूषण गोयल ने प्रस्ताव पास करते हुए पंचकूला में खूंखार कुत्तों के रखने पर रोक लगा दी है। अब पंचकूला निवासियों को घर में पिटबुल और रोड व्हीलर मिक्स कुत्ते की नस्ल रखने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम पंचकूला में यह निर्णय कानपुर नगर निगम की तर्ज पर किया है। इन कुत्तों की नस्लों को घर में रखने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हम आपको बता दें कि कानपुर नगर निगम की इन कुत्तों की नस्लों को बैन करते हुए 5,000 जुर्माने का प्रावधान किया है। हाउस की मीटिंग सारे पार्षदों ने हर मुद्दे पर पूरी डिस्कशन के साथ सारी चीज़ें पास की गई। जितना हाउस का एजेंडा था 24 पॉइंट हमारे रखे हुए थे, 4 हमारे स्टैंडर्ड्स के एडिशनल एजेंडाज थे, वो भी 4 और एजेंडाज बाद में जो थे वो भी सारे के सारे हाउस ने पास कर दिए। सर, एक जो बैन लगा है कुत्तों पे, तो उसके बारे में बात करें। जहाँ तक जो हमारे डॉग्स के ऊपर आज हाउस के अंदर मुद्दा था, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई उन लोगों के ऊपर फाइन लगाया गया है। जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उनके ऊपर 2,000 रुपया आज फाइन लगाया है। और दो तरह के हिंसक कुत्ते यहाँ पर शहर के अंदर बैन किए गए हैं। जो लोगों को ज़्यादातर काटते थे और लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, एक का नाम पिटबुल है, एक का रोटावेलर है, वो काफ़ी और शहरों के अंदर भी वो बैन किए गए हैं, उनको पंचकूला के अंदर बैन कर दिया। सर, जहाँ तक बात थी, वो कोई भी आदमी कहीं भी भेजा नहीं गया है, कोई उनको कोई मिसकंसेप्शन था। हमारे किसी भी अभी तक स्टाफ मेंबर को कल की डेट में कोई हटाया नहीं गया है। और अतिक्रमण की बात के ऊपर हमने पहले ही जो फाइन पहले 500 या 1,000 रुपये थे वो आज 5,000 और 10,000 कर दिया गया है, ताकि अतिक्रमण पूरे शहर से ख़त्म किया जा सके। इसीलिए फाइन बढ़ाया गया है कि ताकि दोबारा अगर वो अतिक्रमण करेगा वो 4 बार सोचेगा कि इतना बड़ा फाइन मैंने देना है कि नहीं देना। चाहे रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो जो गाड़ियां चला रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे हैं, सबके फाइन आज इतने ज़्यादा कर दिए गए हैं, ताकि पूरा शहर को अतिक्रमण मुक्त बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि शहर अतिक्रमण मुक्त हो गया है। सर, रेडी मूवेबल रेडीज के लाइसेंस सिर्फ 32 इशू हुए थे, उनको देखते हुए हाउस ने जैसे ही बेंडिंग जोन का रेट था वही रेट 2,000 रुपये, और जो मोटर गाड़ी वाले थे जो उनका 4,000 रुपये आज रेट रिड्यूस कर दिया गया है, ताकि वो लाइसेंस ले सकें। सर, एक सबसे यहाँ पर हमारे पास 585 के करीब हमने जगह अलॉट की हुई थी, पर जो हमारे पास रिपोर्ट थी 266 लोग वहाँ पर हमारे बेंडिंग जोन के अंदर थे, और 750 के ऊपर हमारे पास साइट्स अवेलेबल हैं। 500 से ज़्यादा हमारे पास साइट्स खाली हैं, और ये भी पता लगा है कि कुछ लोगों ने आगे किराए पे और भी दे रखी हैं। उन सब का आज हाउस ने पास किया है कि जो लोग हमारे शहर के अंदर पंचकूला के निवासी हैं उनको चेक करके सबको लाइसेंस रेडी के बेंडिंग जोन के अंदर दिए जाए, ताकि जो सारी खाली साइटें 500 पड़ी हैं उनको सारी को भरे आ जा सके। हमारी जगह जगह पार्किंग और शहर के अंदर अतिक्रमण किया हुआ था बसेस ने, उसके ऊपर भी फैसला लिया गया कि अगर कुछ एरिया के अंदर जहाँ पर पार्किंग, क्योंकि बसेस ज़्यादातर शाम को स्कूल के बाद ही खड़ी होती हैं, उनसे 3,000 रुपया मंथली फीस लेकर उनको कुछ पार्किंग एरिया में अलाउ किया जाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।